इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, होटल मालिक की दबंगई पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बागपत के नेशनल हाईवे 709B पर अतिक्रमण पर हुआ एक्शन। वही साथ ही आगे आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर होटल के मालिक ने बना रखी थी अवैध पार्किंग। वही साथ ही आगे आपको बता दें कि नोटिस के बाद भी होटल के मालिक ने कर रखा था सड़क पर कब्जा। अधिकारियों को होटल का मालिक दिखा रहा था दबंगगिरी। लंबे समय से बनी हुई थी अवैध पार्किंग, प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध पार्किंग को हटाया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनिल प्रकाश है। अनिल जी, यहाँ पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, क्या मामला, किस लिए चल रहा है ये? रोड के जमीन में अतिक्रमण करके पार्किंग अपना बनाना चाह रहे थे और अपने होटल का पानी हम लोगों के ड्रेन में डाल रहे थे, तो इनका ड्रेन हटाया गया। नोटिस वगैरह भी दी गई थी, ऑर्डर भी हुआ प्रशासन का, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो ड्रेन में पानी जो जा रहा था इनका बंद किया, उसके बाद 15-24 सेंटर से, रोड के सेंटर से जो डिवाइडर है उसके सेंटर से 15-24 हम लोगों का रोड का ज़मीन है, तो उसके अंदर में जो इनका भी अतिक्रमण किया हुआ था वो सबको हटाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, होटल मालिक की दबंगई पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बागपत के नेशनल हाईवे 709B पर अतिक्रमण पर हुआ एक्शन। वही साथ ही आगे आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर होटल के मालिक ने बना रखी थी अवैध पार्किंग। वही साथ ही आगे आपको बता दें कि नोटिस के बाद भी होटल के मालिक ने कर रखा था सड़क पर कब्जा। अधिकारियों को होटल का मालिक दिखा रहा था दबंगगिरी। लंबे समय से बनी हुई थी अवैध पार्किंग, प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध पार्किंग को हटाया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनिल प्रकाश है। अनिल जी, यहाँ पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, क्या मामला, किस लिए चल रहा है ये? रोड के जमीन में अतिक्रमण करके पार्किंग अपना बनाना चाह रहे थे और अपने होटल का पानी हम लोगों के ड्रेन में डाल रहे थे, तो इनका ड्रेन हटाया गया। नोटिस वगैरह भी दी गई थी, ऑर्डर भी हुआ प्रशासन का, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो ड्रेन में पानी जो जा रहा था इनका बंद किया, उसके बाद 15-24 सेंटर से, रोड के सेंटर से जो डिवाइडर है उसके सेंटर से 15-24 हम लोगों का रोड का ज़मीन है, तो उसके अंदर में जो इनका भी अतिक्रमण किया हुआ था वो सबको हटाया जा रहा है, और इसके लिए धन्यवाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, होटल मालिक की दबंगई पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बागपत के नेशनल हाईवे 709B पर अतिक्रमण पर हुआ एक्शन। वही साथ ही आगे आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर होटल के मालिक ने बना रखी थी अवैध पार्किंग। वही साथ ही आगे आपको बता दें कि नोटिस के बाद भी होटल के मालिक ने कर रखा था सड़क पर कब्जा। अधिकारियों को होटल का मालिक दिखा रहा था दबंगगिरी। लंबे समय से बनी हुई थी अवैध पार्किंग, प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध पार्किंग को हटाया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनिल प्रकाश है। अनिल जी, यहाँ पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, क्या मामला, किस लिए चल रहा है ये? रोड के जमीन में अतिक्रमण करके पार्किंग अपना बनाना चाह रहे थे और अपने होटल का पानी हम लोगों के ड्रेन में डाल रहे थे, तो इनका ड्रेन हटाया गया। नोटिस वगैरह भी दी गई थी, ऑर्डर भी हुआ प्रशासन का, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो ड्रेन में पानी जो जा रहा था इनका बंद किया, उसके बाद 15-24 सेंटर से, रोड के सेंटर से जो डिवाइडर है उसके सेंटर से 15-24 हम लोगों का रोड का ज़मीन है, तो उसके अंदर में जो इनका भी अतिक्रमण किया हुआ था वो सबको हटाया जा रहा है, और इसके लिए धन्यवाद।